तनुषि जी ने उस पर 10 करोड़ का वो जो केस है डेफामेशन का किया है। मैं एक आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि क्यों किया है मुझ पर ये केस। पहले शुरुआत किसने की, शुरुआत की थी तनुषि दत्ता ने, न्यूज़ चैनल में जाके उन्होंने ये कहा कि मेरा बिगेस्ट इंसल्ट हुआ है कि मेरा रिप्लेसमेंट राखी सावंत को किया, कोई तो क्लासी गर्ल लेते तो इसका मतलब क्या है, मैं लोअर क्लास हूँ। तनुषि, आपको लोअर क्लास मुझे कहने का क्या अधिकार है? मतलब ये लंगूर और अंगूर की कहानी है दोस्तों। मैं बताना चाहती हूँ, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ और मैं ये स्टोरी में कभी किसी को बताना नहीं चाहती, लेकिन आज मैं हिंदुस्तान को, यानी आप भी 12 साल पहले की बताना चाहती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, मैं अंगूर हूँ और तनुषि दत्ता लंगूर हूँ, क्योंकि उन्हें यह अंगूर नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने मुझ पर 10 करोड़ का डेफिनेशन का केस किया। बहुत मीडिया मीडिया खेल रही हैं आप, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेल रही हैं। अभी आप कानून कानून और कोर्ट कोर्ट खेले, मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आज से 12 साल पहले मुझे बहुत शर्म आ रही है और बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए। मेरे साथ भी रेप हुआ था, मेरे साथ बलात्कार हुआ था। मुझे ये शब्द कहने नहीं चाहिए, एक दिन अ गर्ल, बहुत शर्म आ रही है मुझे कहते हुए। मेरी आंखों में आंसू है, मेरे हृदय छिलनी है, मुझे अंदर से इतनी तकलीफ हो रही है। आज तक मैंने जबान नहीं खोली, लेकिन बॉलीवुड को ऐसे बदनाम किया जा रहा है। हर लड़की बहती गंगा में हाथ धो चलती ट्रेन पकड़ रही, इतना दुख हो रहा मेरे अंदर। मैंने कहा अब मुझे मुंह खोलना चाहिए, अब मुझे कहना चाहिए कि मेरे साथ अत्याचार हुआ। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि घिनौनी हरकत मेरे साथ हुई थी, एक बार नहीं बार बार। बट मुझे नाम लेते हुए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे धमकियां मिली जा रही है मारने की, गैंग रेप की मुझे धमकियां मिल रही है। पुलिस स्टेशन में भी मैं कंप्लेंट लिखवा चुकी हूँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में पसीना आ रहा है, मैं कितनी डर रही हूँ उनका नाम लेने के लिए। बहुत मीटू मीटू हो रहा है, अब मैं चाह रही हूँ कि शीतू तो राखी सावंत का बलात्कार रेप बार बार तनुषि दत्ता ने किया। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की लड़की का बलात्कार कैसे करते हैं। 377 कानून लागू हो गया है, किस पे लगा है? आप जानते हैं ही टू ही शी टू शी। आपको क्या लगता है तनुषि दत्ता ने बाल क्यों मुड़वाए? वो एक लड़की नहीं लड़का है, हाँ अंदर से वो एक पूरा लड़का है। तनुषि दत्ता ने आज से 12 साल पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड तनुषि दत्ता, तुम मिस इंडिया हो, तुम मिस इंडिया हो, मैं मानती हूँ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तनुषि दत्ता। तुम भूल गए रेव पार्टी में, रेव पार्टी में तुम मुझे 2-3 बार लेकर गई, अलग अलग पार्टियों में लेकर गई। तुम कहती ना तुमने मैंने तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाए, तुम वो सिगरेट खाली करके उसके अंदर से तंबाकू निकाल के उसके अंदर जो मसाला भर रही थी, कौन भर रहा था वो मसाला? वो मसाला ग्रीन ग्रीन कलर का, और बाद में तुम लेती थी उसे, क्या भीड़ कहते मुझे नहीं पता। आपको भी दिया था? हाँ मैंने भी लिया था इसके चक्कर में 2-3 बार, मैं तो फ्लाई करने लगी थी, उड़ने लगी थी। हाँ मैंने लिया था, मैं तो नहीं, मुझे तो लगा सिगरेट है करके, मैं तो नादान थी, इनोसेंट थी, मेरे मुंह में जबरदस्ती डाल रहा था। और आपको मैं बताऊँ,
मैं आज मीडिया की बातों का जवाब देने ने मैं अपने अपने आप बीती सुनाने आई हूँ कि वो एक लेस्बियन है, सिर्फ मर्द ही रेप नहीं करती, एक लड़की भी रेप करती। बहुत हंसी आ रही है, लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है। उनका का सामर्थ आंगन कहीं पे घर था उनका, मैं वहां गई थी लोखंडवाला में, दो तीन घर उन्होंने चेंज किए, सबूत भी है मेरे पास, एक मेल और एक फीमेल, सबूत है मेरे पास, आज से 12 साल पुरानी कहानी। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा तनुष, मैं हमेशा एक फीमेल की इज्जत करती, हमेशा मैं हर महिला की इज्जत करती, लेकिन तुमने एक सोई हुई नागिन को जगाया है। मैं खामोश थी अब तक, मैं अब तक खामोश थी कि जाने दो जाने दो, तुमने झूठे झूठे इल्जाम नाना पाटेकर जी पर लगाए। मैं खामोश रही, मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, जाने दो, और तुमने तो मुझ पे 10 करोड़ का केस किया, तुमने मुझ पे 10 करोड़ का दावा किया है, मैं तुम्हें 50 करोड़ का करती। मेरी बहन, शायद आपके वकील ने आपको बताया नहीं है कि जज साहब जो है ना, कोर्ट में पहले 2 या 3% कितने परसेंट भरने पड़ते हैं ना, तो पहले 10 लाख रुपए आप कोर्ट में भरिए, मैं तो भर दूंगी 50 लाख रुपए, है ना, तो आप 10 करोड़ का मुझ पे दावा करेंगी तो मैं आपके 50 करोड़ का करूंगी। बहुत सताया तुमने मुझे, तुम कहती हो मैं मिस इंडिया हूँ, उस वक्त मिस इंडिया, हाँ तुम मिस इंडिया हो, मैं भी मिस अंधेरी वेस्ट हूँ, समझी, अब तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा। वो किसके शो में जाके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही हो, तुम्हारे साथ वो एंकर भी इतना चिल्लम चिल्ली कर रहा है, वो गोस्वामी कौन है, अर्णव गोस्वामी जी के साथ, उन्हें क्या लगता है इंग्लिश में इतना चिल्लम चिल्ली करने से लोग आपकी सच बात को मान लेंगे, नहीं मानेंगे, चिल्लाने से सच साबित नहीं होता। कोर्ट में मैं भी कहूंगी कि तुमने तुम्हारी उंगली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया, हाथ खाने के लिए दिए जाते हैं, कहीं और इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि तुमने मेरे प्राइवेट टाटों के साथ तुमने क्या क्या किया है, कहां कहां तुमने मुझे टच किया है, यहां टच किया तुमने मुझे, ये तुमने मुझे मेरे जिस्म को कहीं का नहीं छोड़ा। तनुश्री दत्ता, तुम एक लेस्बियन हो, तुम मुझे इतना चाहती हो मुझे पता नहीं था, तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है मेरे लिए, हाँ तुमने अपने बाल मुंडवा दिए मेरे लिए, ये तो चैलेंज लगी थी ना, तुमने मुझे कहा था मैं तुम्हारे लिए बाल मुंडवा दूंगी, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ, मुझे क्या पता था, तुम बहुत अच्छा गेम खेल रही हो, बहुत अच्छा खेल खेल रही हो, पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रही हो, और तुम्हारे चक्कर में जिन जिन लड़कियों के पास काम धंधा नहीं है, काम नहीं है, जो इंडस्ट्री में हार चुकी है, ऑडिशन देते देते, स्क्रीन टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट देते देते, अब उनको लगता है कि हम न्यूज़ चैनलों में जाके बैठ जाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तनुश्री दत्ता के साथ उनके बहुत सारे फ्रेंड थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन थे, रेव पार्टी होती थी और मैं जाती थी, मुझे लेकर जाती थी तनुश्री, किया है मेरे साथ, मेरे उन पार्टों को प्राइवेट पार्टों पे हाथ लगाया है। अरे क्वाइट प्लीज यार, क्या कर रहे हो आप लोग, ये भीड़ और बहुत सारी चीजें, क्या चीजें होती है, फुल हाई होके आज तक मैंने तुम्हारा राज राज रखा था मुझे, लेकिन आज मैं बता रही हूँ, मैं कोर्ट में भी कहूंगी ये सारी बातें जज साहब के सामने। हाँ क्यों, सिर्फ एक आदमी औरत के साथ करता है तो वो होता है केस, अब तो 337 ना
वो तो लागू हो गया है ना, तो अब तो लीगली हो गया है ना, तो मैं कहती हूँ ना कि तनुश्री दत्ता ने मेरा रेप किया है। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।